الركن الأول من أركان الإسلام تقول أشهد، يعني أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي. इस्लाम के पांच अरकान में से पहला रुकन ये है कि आप इस बात को माने, इकरार करें कि अल्लाह के सिवा कोई वंदना के लायक नहीं है। لا إله لا معبود بحق، كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة، واثبت العبادة لله وحده لا شريك له، أكفر بجميع ما عبد من دون الله واثبت العبادة لله. और जब आप कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका अर्थ ये होता है कि अल्लाह के सिवा जितने भी भगवानों की, ईश्वरों की पूजा की जा रही है, वंदना की जा रही है, हम उन तमाम की वंदनाओं का, आराधनाओं का इनकार करते हैं और सिर्फ आराधना अल्लाह के लिए साबित करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह बिना हादा अल बिना यकुम अला अमूदैन लो असकतना अमूद मिन अल अमूदैन इनहार अल बिना सकत अल बिना। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का मतलब यह है कि आप कोई घर बना रहे हैं, उस घर की जो बुनियाद होगी ये ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी घर की वो बुनियाद है। نعم الركن الاول تنفي جميع ما عبد من دون الله كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة والثاني تثبت العبادة لله وحده لا شريك له। तो पहला रुकन ये है कि आप अल्लाह के अलावा जिसकी भी वंदना की जा रही है उन तमाम की वंदनाओं का इनकार करें, और दूसरा यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की वंदना का इकरार करें। نعم ونشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام। और हम इस बात की गवाही दें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेश वाहक हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। نعم فمن عبد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه عبد عليه الصلاة والسلام ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه رسول। अब अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि हाँ हम मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वो उनकी इबादत करने लगे, तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति इस बात को नहीं मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। अब एक आदमी जो ये तो माने कि वो अल्लाह के बंदे हैं लेकिन वो झुटलाए कि आप रसूल हैं, तो यहाँ पर भी कहा जाएगा कि ये व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तो नबी मानता है और ना ही आपको अल्लाह का बंदा मानता है। फलाबुद अन नुतीअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी कुल मा अमर बिह, हमारे लिए आवश्यक है, अपरिहार्य है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हर उन चीजों में करें जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اخبر به, और जिन चीजों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दिया है हम उसकी तस्दीक करें, उसको सच्चा माने। واجتناب ما عنه نهى وزجر اي نجعل ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم في جانب ونحن في جانب اخر, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों के, जिन कार्यों के करने से मना किया है हम उन चीज़ों को छोड़ दें, उन कार्यों को छोड़ दें, और वो इस प्रकार हो सकता है कि हम उसको अपने से बहुत दूर कर दें। وَلَا يُعْبَدُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يعني نَتَّبِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَبْتَدِعْ فِي دِينِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ, और अल्लाह की वंदना, उसकी आराधना सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके पर हो, उसी प्रकार हो जिस प्रकार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है।